नरेंद्र मोदी, आप देख रहे हैं डेली न्यूज चैनल। नई खोज खबर के साथ डेली न्यूज चैनल आज पहुंचा है केंद्रीय कार्यालय 208 भौतीपुर विधानसभा क्षेत्र में। खान पहलवान एडवोकेट के कार्यालय पर खड़ा हूँ। यहाँ पर उनके कुछ प्रत्याशी खड़े थे, हमने सोचा चलो इनसे भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। जुनैद पहलवान का भौतीपुर विधानसभा क्षेत्र में क्या माहौल चल रहा है? भाई साहब आपका नाम बताइए, क्या है? मोहम्मद सलीम साहब, आप ये बताइए कि 208 भौतीपुर में जुनैद पहलवान का क्या माहौल चल रहा है? अच्छा माहौल चल रहा है, बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है। एक मुस्लिम प्रत्याशी होने के नाते यहाँ पर मुसलमानों की संख्या काफी है, वोटर की, आप उस पर क्या कहेंगे? अच्छी बात है, और यह है कि एक मुसलमान ही नहीं, जितना भी अजन वोट है जी सब आ रहा है हमारे साथ। अच्छा, हमारे कोई सिख को रोक नहीं पा रहे। आप क्या कहेंगे इस पर? जुनैद पहलवान बहुत अच्छे वीरदायक और कर्मठ, बहुत महान नेता हैं जी, और सबकी बात सुनते हैं जी, और सबके कार्यक्रम में जाते हैं जी, और सबका दर्द बिताते हैं जी, और इसके अलावा हमारे भोगनीपुर क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ऐसे महान हो कि सबके दुख में पहुँचे या दर्द में मिटाए। ऐसे जुनैद पहलवान ऐसे महान पुरुष हैं जो कि सबके दर्द दुख में जाते हैं, लोगों के साथ जाते आते हैं, वक्त में काम आते हैं, वक्त में काम आते हैं। अच्छा। और बसपा में, बसपा में बहुत महान पूर्व से लगे हुए रहते हैं जी, और लगे हैं जी, और आपका भाई साहब क्या नाम है? जी आप संगवार जी बताइए कि आपके प्रत्याशी का क्या माहौल चल रहा है, जनता का मूड क्या है? जनता का मूड ये है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी जाया जाए जी, पूरा पूरा क्षेत्र का जितना विधानसभा जितना हर समाज का आदमी है वो सब कहना कि हम बहुजन समाज पार्टी को जी। आपका भाई साहब नाम क्या है? आपका नाम बताइए। अच्छा आप ये बताइए कि जनता के वोट क्या भापा, आपने कितने गांव में सर्वे किया है अभी तक? जनता पूरी तरह से बसपा के लिए समर्पित हो चुकी है, बसपा की सरकार बहाली है, जुनैद पहलवान भौतीपुर में बहुत अच्छे जीते। अगर आपने बात सरकार बनाने की है तो जनता एक सवाल उठा रही है कि मायावती जी जो हैं बीजेपी की बी पार्टी है, यानी बी पार्टी का कहने का मतलब है सपोर्टर, तो अपर्णा यादव भी तो है, वो भी तो वही है, तो वो भी सपोर्टर हो गई जाके। अपर्णा यादव तो छोड़ चुकी है ना समाजवादी पार्टी, ऐसे छोड़ चुकी है। जनता का जो मूड है, जो जनता अरे बता रही है, अभी एक साथ आ जाएंगी दोनों तो। हाँ बिल्कुल, वो मिल जाएंगे। अरे बिल्कुल मिल जाएंगी। तो ये बात खारिज कर रहे हो कि मायावती जी बी टीम नहीं है? बी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये कोई नहीं है, ये तो समुदाय विशेष पर जाए, जाति सही समीकरण पे अगर जाए तो आपको यहाँ पर कौन कौन से जातियों में समीकरण ऐसा दिख रहा है कि जो पहलवान को सपोर्ट कर रहा है? देखो सभी जातियाँ कर रही है, हम पूरे क्षेत्र में घूमते हैं, एक भी ऐसी जात नहीं है जो भाजपा का ही रहा वो भी कर रहा है, यानी भाजपा का वोटर भी आपकी तरफ आ रहा है, भाजपा का सपा का कांग्रेस का जो भी रहा है वो व्यक्तिगत कर रहा है। क्या कहोगे इस पर? यही कहते हैं भारी बहुमत से एक नंबर से। क्या है आपका विचार? बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, मायावती जी चुनाव कार्यालय 208 भोगनीपुर जुनैद खान पहलवान एडवोकेट के कार्यालय से पोखराया से डेली न्यूज चैनल के लिए कैमरामैन मनीष के साथ मैं रशीद अली साहब फौजी। जय हिंद।